हेलो गाइस, बात करने वाले हैं यहाँ पर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में। जी हाँ, बात कर रहे हैं कृतिका सेंगर के बारे में। कृतिका सेंगर और शरद मल्होत्रा की जोड़ी को कौन नहीं जानता है, तनुजा के कैरेक्टर को कौन नहीं जानता है, ऋषि के कैरेक्टर को कौन नहीं जानता है। ऋषि और तनुजा के कैरेक्टर से जोड़ी फेमस हुई थी कसम तेरे प्यार की शो से। बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था इस शो को। 2 साल तक ये शो लगातार ऑन एयर रहा। बोला जा सकता है कलर्स टीवी का सुपर डुपर हिट शो रहा है। जी हाँ, सुपर हिट शो की पॉपुलर लिस्ट में ये शामिल है कलर्स टीवी की। सो ऐसे में शो के सीजन 2 की डिमांड चल रही है और डिमांड तो लंबे टाइम से चल रही है। लोग देखना चाहते हैं शो का सीजन 2। आखिर कब ये डिमांड पूरी होगी? सो ये देखना काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा हो जाता है, काफ़ी एक्साइटमेंट वाला हो जाता है कि फैंस की ये डिमांड जो है वो कब पूरी होने वाली है। शरद मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो वो बैक टू बैक शो ले लाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना बहुत पसंद है और वो खाली बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। अगर वो डेली शो नहीं कर रहे होंगे तो वो OTT कर रहे होंगे, OTT नहीं वेब सीरीज़ वगैरह, वो कहीं ना कहीं बिजी रहते ही हैं। और ऐसे में उनका कोई डेली शो आ नहीं रहा है, तो आखिर वो कर क्या रहे हैं? तो आपको बता दें उनकी कई सारी वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली हैं बैक टू बैक। सो वहीं बता दें आपको, डेली शो की अगर बात करी जाए तो उनके पास ऑफर जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आपको टाइम देना चाहते थे, जिस वजह से वो एक कैरेक्टर से इतने लंबे टाइम तक बंध के नहीं रहना चाहते थे। पर जिस तरह से बातें सामने ये आई हैं कि ऋषि का कैरेक्टर अगर उनके लिए बोला जाए तो डेफिनेटली उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ है। महाराणा प्रताप से उन्होंने काफ़ी कुछ गेन किया। और बात करें ऋषि के कैरेक्टर से, तो एक अलग ही रोमांटिक कपल के तौर पर दोनों नजर आए थे। और इस जोड़ी की बात जहाँ भी आती है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं इस जोड़ी को लेकर। सो ये जोड़ी डेफिनेटली नज़र आएगी, क्योंकि मेकर्स कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे और रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि रिप्लेसमेंट के बाद भी ऐसे कई सारे शो रहे हैं जो कि फ्लॉप हुए हैं। सो जिस वजह से मेकर्स अब ये खतरा ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं रिप्लेसमेंट का। सो डेफिनेटली आपको ऋषि और तनुजा की जोड़ी नज़र आएगी सीजन 2 के अंदर। लेकिन ये सीजन 2 आएगा कब, सबसे बड़ा सवाल आपका ये उठता है। तो आपको बता दें, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, एकता कपूर अपने पॉपुलर शो को लेकर आने वाली हैं, कई सारे शो को लेकर आने वाली हैं, उनके सीजन 2 को लेकर आने वाली। सो उनमें से एक शो ये भी होने वाला है। सो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद बरकरार रखिए। क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।